हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर योर एकेडमी में। आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का यानी कि त्रिकोणमिति का अगला पार्ट यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में बताया है और अब हम आपको यानी कि आगे कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके है यानी कि जो आपका एग्जाम होता है उस एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी हमने आपको त्रिकोणमिति बताया था, त्रिकोणमिति के बारे में यानी कि हमने दो फॉर्मूले आपको बताए थे यानी कि एक हिंदी मीडियम के लिए एक इंग्लिश मीडियम के लिए। सबसे पहले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और या हिंदी में अगर कहें तो लाल बटे ककम। सबसे पहले हमने ये बताया था यानी कि पी को परपेंडिकुलर, बी को बेस और पी मतलब परपेंडिकुलर, एच मतलब हाइपोटेनस, ये भी एच हाइपोटेनस और बी बेस। इसमें एल का मतलब है लंब, ए का मतलब है आधा और के का मतलब है कर्ण। यानी कि आपके पास में जो ट्रिग्नोमेट्री होती है ट्रिग्नोमेट्री आधारित है आपके कुछ फॉर्मूले और यानी कि जो आपकी ट्राइंगल है यानी कि त्रिभुज जो है आपकी जो त्रिभुज है इस तरीके की आपके पास में कोई भी त्रिभुज है राइट एंगल ट्राइंगल तो इसके ऊपर आपकी पूरी की पूरी यानी कि ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। अगर आपके आपको ये पता है यानी कि जो ये फॉर्मूला है ये बेस्ड है आपका इस ट्राइंगल पर, अगर आपको इस ट्राइंगल के आपको बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेनस कौन सा है, अगर आपको ये याद है यानी कि आप इसके बारे में जानते हैं तो आप इजीली यानी कि जो सवाल आएंगे उनको सॉल्व कर पाएंगे यानी कि उनके कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे और कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गए तो यानी कि आपके समझ में उसके सवाल भी आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ इनके ये ट्रायंगल हमने बना लिया, इस ट्रायंगल के हम नाम रख लेते हैं ए बी सी, यानी कि ये ट्रायंगल का नाम हमारे पास में हो गया ए बी सी ट्रायंगल हमारे पास में हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि बेस कौन सा है, बेस इसमें कौन सा है। अब इसमें बेस की बात करें तो बेस देखो तीनों साइड है, तीनों साइड में से बेस कोई सा भी हो सकता है, तीनों साइड में से ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, लेकिन जो 90 के अपोजिट में है उसको बेस यहाँ पे यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं मानेंगे, यानी कि यहाँ इन दोनों में से किसी एक को बेस मानना है। तो अब कैसे मानते हैं उस बेस को वो डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन के ऊपर कि आपका क्वेश्चन कौन कैसा है यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इसमें बेस कैसे लेते हैं तो हम आपको अभी बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये बता देते हैं कि बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, आपका हाइपोटेनस कौन सा है। तो आपके लिए सबसे पहले आपका ये बेस अगर आप इसको मान रहे हैं यानी कि आधार, हिंदी में कहें आधार कहते हैं ठीक है जी, और इसको हम परपेंडिकुलर अगर मान रहे हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हिंदी में लंब कहते हैं, तो अगर आप इनको और तो ये हमारा क्या है 90 के अपोजिट में जो होता है वो कहलाता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ठीक है जी, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। समझ रही बात आपके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद में अब यहाँ पे बेस हमने यहां लिख दिया, परपेंडिकुलर यहां लिख दिया, अब इनमें से बेस और परपेंडिकुलर ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं यानी कि ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या तो बेस ये होगा और परपेंडिकुलर फिर ये होगा, यानी कि दोनों कंडीशन में एक में हो सकता है कि ये बेस हो यानी कि ये आधार हो और ये परपेंडिकुलर हो यानी कि लंब ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो ये सेटिस्फाई करेगा, ये वाली है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ठीक है जी। अब यहाँ डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। जैसे अब हम यहाँ एक एग्जांपल लेके चलते हैं, सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे साइन ए, साइन ए कहा हमने और ए कहा साइन सी, साइन सी ठीक है जी, एक हमने साइन ए कहा एक कहा साइन सी। हमारे क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो बेस अब हम किस तरीके से बताते हैं, तो बेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे वर्टेक्स यानी कि ए आ रहा है एंगल ए, ये जो साथ में होता है साइन के साथ में हो, कॉस के साथ में, टैन के साथ में, ये कहलाता है एंगल। अब यानी कि एंगल कहां पे बन रहा है, एक्यूट एंगल ए पर बन रहा है, तो यानी कि अगर एक्यूट एंगल यहां पर बन रहा है तो बेस हमारा
ये होगा जो इसके साथ में है, जिसको कहते हैं एडसेंट साइड, इंग्लिश में कहते हैं एडसेंट साइड, यानी कि संगत भुजा, यानी जो उसके साथ में भुजा है, ठीक है जी, जो उसके साथ में यानी संलग्न में है, यानी कि उसके साथ में जुड़ी हुई जो भुजा है, यानी कि इस कोण के साथ में जो जुड़ी हुई भुजा है, और इधर 90 का है, तो ये वाली साइड जो है, अब अगर ये दिया हुआ है तो बेस हमारा हुआ ये, तो बेस के अकॉर्डिंग यानी कि हमने आपको बताया था कि पी अपॉन एच अगर है, पी अपॉन एच, और अगर हिंदी में बात करें तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसको लंब बटे कर्ण कहेंगे। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे साइड के नाम रखते हैं, साइड का नाम यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, मान ली अभी हम जैसे यहाँ पे बनाए, तो लंब क्या है हमारा, लंब हो गया हमारा बीसी, और कर्ण क्या है एसी, तो ये हमारा साइन ए हो गया। अब अगर बात करते हैं साइन सी की, साइन सी क्या होगा, अब यहाँ पे यानी कि एंगल हमारा सी है, तो अब हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल बन रहा है, तो हमारा बेस हुआ ये, एक्यूट एंगल अगर यहाँ पे बन रहा है इसके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो अब हमारा बेस हुआ ये, और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि जो सेकंड कंडीशन है इसको फॉलो करें, यानी कि फर्स्ट कंडीशन नहीं है, अब सेकंड वाली को फॉलो करें, यानी कि ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। तो अब यहाँ पे ये बेस है, तो वही फॉर्मूला वही रहेगा, पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब लेकिन जब ये ले रहे हैं तो बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हमारा ये है, हाइपोटेन्यूज ये, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो गया फिर अब ए बी बटे में ए सी। तो यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ बी सी अपॉन ए सी आ रहा है, यहाँ ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, तो यानी कि चेंज हो चुका है, तो यानी साइन ए और साइन सी दोनों इक्वल नहीं होंगे। कभी कोई कहे कि ये दोनों इक्वल है, नहीं, दोनों इक्वल नहीं होंगे, समझिए बात, ठीक है जी। अब इसके बाद में हम आप एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल नंबर वन हमारे लिए दिया हुआ है, इसकी यानी कि हमारे लिए फिगर दी हुई है, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए, जो नाम दिए हुए हैं वही हम सेम एज इट इज नाम रख लेते हैं, ए बी एंड सी, ठीक है। इसके बाद में ये दे रखा है हमारे लिए, यानी कि टेन ए इक्वल टू 4/3 ये दिया हुआ है। तो यहां पर अब हम यहां पे देखेंगे, और इसके अनुसार हमें सारे की सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक है, हमने आपको बताया कि जो छह पिलर होते हैं, यानी कि जो इसके छह यानी कि मूल यानी कि बेस है, वो हमें निकालने के लिए कह रहे हैं, जो इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है वो हमें निकालना है, यानी कि हमें निकालना है साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, सेक ए और कोसेक ए, ये हमें फाइंड करना है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि सबसे पहले ये 4/3 हमारा क्या है, जब टेन में हम देखते हैं तो हमने आपको बताया था कि यहां से हम शुरुआत करते हैं, तो ये साइन कॉस टेन, फिर इधर कॉट सेक और कोसेक। तो सबसे पहले हम टेन की बात करते हैं, तो टेन हुआ हमारा पी अपॉन बी, पी अपॉन बी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार कहते हैं, लंब बटे आधार भी कहें। तो आपको अब यहाँ पे ए कहा, तो यानी कि आपका एक्यूट एंगल बन रहा है, यहाँ पर बेस आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया, और परपेंडिकुलर आपका ये हो गया, हाइपोटेन्यूज आपका ये हो गया। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका 4 है, परपेंडिकुलर यानी कि 4, बेस आपका कितना है ये 3। अब आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, इन सबकी वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले आपको हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल जब आपको दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज निकाला, तो इसका फॉर्मूला है यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, जिस बच्चे को याद है तो वो आप इजीली निकाल पाएंगे, यानी कि पाइथागोरस यहाँ पे यूज करिए, यानी कि हिंदी में कहते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, समझ आएगा, ये पाइथागोरस थ्योरम है, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस त्रिकोण। अब ये यानी कि कर्ण क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, आधार यानी कि बेस कहते हैं बी का स्क्वायर प्लस में पी यानी कि लंब का स्क्वायर। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज क्या दिया हुआ है आपके लिए, नहीं दिया हुआ तो हाइपोटेन्यूज को ऐसे रखिए,
बेस आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो 3 रखेंगे प्लस में, और इसका पावर 2 है तो पावर 2 लगाएंगे, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 की पावर 2। जब इसको ओपन कर रहे हैं स्क्वायर को, तो 3 की पावर 2 का मतलब यानी कि 3 का स्क्वायर है तो 9 हुआ, और 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इनको दोनों का एड किया 25 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे एच के स्क्वायर के बराबर है। अगर आप एच का स्क्वायर है इधर 25 है, तो दोनों तरफ आप अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो इस स्क्वायर रूट से आपका ये यानी कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर आगे एच इक्वल टू 25 का रूट कितना होता है 5, तो ये आपका एच निकल के आ गया, यानी कि हाइपोटेन्यूज आपका निकल के आ गया 5। अब इसके बाद में आप साइन ए की वैल्यू आपको हमने बताई थी पी अपॉन एच, यानी कि लंब बटे कर्ण, पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो अब परपेंडिकुलर आपका क्या है 4 है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका 5, 4/5, कॉस ए क्या है बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, तो बेस क्या है आपका 3 और हाइपोटेन्यूज आपका 5, तो ये हो गया। कॉट ए जो होता है टेन ए का उल्टा होता है, या फिर आप इसके अनुसार भी ले सकते हैं, इधर साइन कॉस टेन कॉट, कॉट यानी कि बी अपॉन एच, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ सकते हैं, अगर साइन कॉस और टेन निकालते तो यानी कि साइन कॉस और टेन, फिर नीचे से चलते हैं इधर से वापस घूमते हैं इसी तरीके से, फिर यहां पर यानी कि आपका कॉट हो गया, सेक हो गया, कोसेक हो गया, तो अब यहां पर कॉट ए की वैल्यू यानी कि बी अपॉन पी, बी अपॉन पी, बेस क्या है 3 है, परपेंडिकुलर क्या है आपका 4 है, सेक ए की वैल्यू यानी कि कोसेक की उल्टी होती है, तो एच अपॉन में बी यानी कि 5/3, और कोसेक होती है साइन की उल्टी, कोसेक होती है आपकी कोसेक है, साइन ए की उल्टी है, यानी कि एच अपॉन पी, तो ये आपका 4/5। तो ये सारे के सारे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के सारे सॉल्यूशन आपको गिवन था, एक और एक से ही आपने सभी के सॉल्यूशन निकाल दिए हैं, यानी कि इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको यानी कि आप उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इजीली निकाल सकते हैं, इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसी तरीके से निकालना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको अभी बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हो सकता है कि आपको ये गिवन हो, अभी यहाँ पे टाइम पूछा है, हो सकता है साइन दिया हो या कॉस दिया हो, तो फिर यहाँ पर हो सकता है कि ये और ये आपको गिवन है, तब निकालना है, फॉर्मूला ये अप्लाई करना है, जो गिवन है वो पुट कर देना है, जो नहीं दे रखा उसको साइड में ले जाएंगे, और आप इसी फॉर्मूले के थ्रू सबसे पहले थर्ड साइड निकालेंगे, जो थर्ड साइड आपकी निकल जाएगी उस थर्ड साइड से आप यहाँ पे यानी कि जब आपके पास ये तीनों साइड आ जाएंगी, तीनों साइड के अनुसार आप यहाँ पे ये अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया, अगर आपको समझ में आ गया तो आप एक लाइक कर दीजिए। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, किस तरीके का कोई और क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि एग्जांपल नंबर टू की बात कर रहे हैं कि एग्जांपल नंबर टू किस तरीके का क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, कई बार आया हुआ है, तो आप पिछले पेपर उठा के भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी सवाल अगर आता है तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है आपने, तो आप यहाँ पे उस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। सबसे पहले यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि यदि एंगल बी और एंगल क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू हो, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिगर ऑलरेडी दी हुई है, सबसे पहले आपके पास में दो फिगर दी हुई है, तो सबसे पहले आप फिगर यहाँ पे बना लेंगे। एक फिगर ये आपको गिवन है, यानी कि ये 90 पे है, ये भी 90 पर है। यहां पर आपको ये दिया हुआ है ए बी सी, ए पॉइंट बी और सी, यहां पर पी क्यू एंड आर, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल इसके बराबर हो गए या नहीं, आपको प्रूव करना है, और आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, और ये कहा है कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। क्या है? एक्यूट एंगल है, और आपसे कहा जा रहा है कि साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, ये गिवन के अंदर है, यानी कि दिया है, हिंदी में कहते हैं दिया है, ये दिया है के अंदर है, ठीक है। आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव यानी कि सिद्ध, हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना, ओके, सिद्ध क्या करना है आपने? सिद्ध करना है कि यानी कि आपने
एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, आपने ये प्रूव करना है। तो अब आप सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन जब निकालते हैं तो सॉल्यूशन में आप सबसे पहले आप यहाँ पे साइन बी दिया हुआ है साइन क्यू जो इक्वल प्रूव करने के लिए दिए हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले हम निकालते हैं साइन बी, साइन बी की वैल्यू क्या होगी, साइन बी की वैल्यू जब हम निकाल रहे हैं तो साइन बी की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग यानी कि बेस हमारा ये हो गया, परपेंडिकुलर हमारा ये हो गया, हाइपोटेनस हमारा ये हो गया। इसी तरीके से बेसिस में ये है, हाइपोटेनस ये है और सॉरी बेस ये है, परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस हमारा ये है। तो इस तरीके से दिए हुए हैं तो इसके अनुसार साइन बी की वैल्यू साइन बी यानी कि पी अपॉन एच, पी अपॉन में एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है आपका ए सी और हाइपोटेनस आपका है इसमें ए बी। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप निकाल रहे हैं इसके अंदर साइन क्यू, क्योंकि क्यू एंगल इसमें है तो साइन क्यू इससे निकलेगा। अब आप साइन क्यू निकालेंगे, साइन क्यू आप निकाल रहे हैं तो यहां पर ये इसका भी फॉर्मूला पी अपॉन एच, इसमें पी क्या है आपका पी आर और इसमें ये आपका पी क्यू, ये है आपका सेकेंड इक्वेशन। अब यहां आपके पास में दो इक्वेशन आ चुके हैं तो जब आपको ये बराबर दिए हुए तो इनकी जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप यहां लिख देंगे कि इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू, फर्स्ट और सेकंड से जब आप निकाल रहे हैं तो यहां पे ए सी अपॉन में ए बी इक्वल टू पी आर अपॉन में पी क्यू, ये आपने कहा। तो आप क्या करेंगे, यहां से इनको इंटरचेंज कर देंगे, इन दो वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे तो आपके पास में जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी ए सी ऊपर ही है, इसको इंटरचेंज कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये इंटरचेंज कर दिया हमने, पी आर आपका यहां चला गया और ये यहां से यहां चला गया, तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है जी। अब हमने ये क्यों चेंज किया है अभी हम आपको बताते हैं, यानी कि आपके पास में दो ट्राइंगल है, दो ट्राइंगलों की अगर भुजाएं अनुपातिक हो जाती है, भुजाएं क्या हो जाती है, अनुपातिक हो जाती है, तो आपके यानी कि जो कौन होंगे वो भी आपके बराबर आप प्रूव कर सकते हैं, सिमिलर वो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो जाते हैं यानी कि उनके जो कौन होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। तो यहां पर आप एसी बटे में पी आर और ए बी बटे में पी क्यू करते हैं तो इसको अगर आप वन के इक्वल करते हैं तो यानी कि जो आपका ये आप इसको वन के इक्वल लिख लीजिए तो एसी बटे में पी आर और ए बी बटे में पी क्यू, जब अगर आप ये करते हैं तो यानी कि अगर आप इसको लेके चलते हैं, मैं आपको यहां पर बता देता हूं, अगर हम फर्स्ट को लेके चल रहे हैं एसी बटे में पी आर इक्वल टू वन, तो पी आर को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एसी इक्वल टू आपका हो जाएगा पी आर, यानी कि आपकी ये भुजा इसके इक्वल है। इसका मतलब इसी तरीके से आप इसमें करेंगे तो इसी तरीके से सिमिलरली कहेंगे ए बी आपकी क्यों किसके इक्वल होगी, पी क्यू के इक्वल होगी, इसी तरीके से यानी कि ये और ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी। अब आपके पास में दो साइडों का तो रेशो आ गया, लेकिन अब जो थर्ड साइड बची है आपकी ये और ये बच रही, जब आप अगर आपकी थर्ड साइड बचती है तो मैंने आपको पांच वर्ष पूर्व वाला आप एक फॉर्मूला बताया था, वही फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और उसी के अनुसार अगर आप इसका निकालते हो तो यानी कि इसका यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है यानी कि आधा का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर ये होता है, तो आप उसी फॉर्मूले के अनुसार यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। चलिए हम आपको बता देते हैं किस तरीके से एक की वैल्यू पुट करके बता देते हैं, फिर आप दूसरे की भी इजीली निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसकी यानी कि ए बी का स्क्वायर आपका होगा पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर हमें निकालना ये, तो ये यहाँ पे इसको यही पर छोड़ दिए इसको इधर ले आइए, तो यानी कि ए बी का स्क्वायर माइनस ये ए सी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, ये हमने छोड़ दिया इधर क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दे रखी थी। अब यहाँ पे बीसी का स्क्वायर हमारा ये हो गया, अब यानी कि अब हमें यहाँ पर हम एसी की जगह पी आर की वैल्यू पी आर रख सकते हैं और ए बी की जगह पी क्यू रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख देते हैं पी क्यू के स्क्वायर माइनस के एसी की जगह पी आर का स्क्वायर, ये हमने रख दिया इक्वल टू बीसी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हुआ, इस ट्रायंगल के अनुसार आप देखते हैं पी क्यू के स्क्वायर में से अगर आप इसका स्क्वायर माइनस कर दें तो इसका स्क्वायर आपके पास में बचता है, यानी कि ये आपका आर क्यू का स्क्वायर हो गया, ये बी सी के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है जी। अब आपका स्क्वायर बराबर है तो यानी कि आर क्यू भी क्या है आपका बी सी के इक्वल, क्योंकि पावर दोनों की पावर हो रही है स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि दोनों को अनरूट करके काट सकते हैं, तो यानी कि पावर आप
कर सकते हो। तो आर क्यू जो है बीसी के बराबर है, यानी कि आर क्यू अपॉन में बीसी भी आप कह सकते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे इसको कहा था। तो अब यहाँ पे तीनों भुजाएं अनुपातिक हैं, तीनों भुजाएं रेशो में हैं, तो यानी कि ये ट्राइंगल क्या हुए, सिमिलर हुए। जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ये कोण इसके इक्वल होगा, सिंपल चीज है। तो फिर आप कह देंगे यहाँ पे कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दैट्स ऑल। मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है जी। तो फिर इसके बाद में चलिए हम एक और क्वेश्चन आपको लेके बताते हैं कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या करें, इसमें दो पार्ट आपको दिए गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ट्राइंगल एसीबी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है और जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और एंगल ABC इक्वल टू थीटा दिया हुआ है। देखिए आकृति 8.10 में, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे प्लस का दिया हुआ है, एक माइनस का है, ये दिया हुआ है, तो इसके अनुसार अगर आप एक का निकाल सकते हैं तो दूसरे का भी इजीली निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ क्या है, सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल हमारे लिए दी हुई है, ये ट्राइंगल आपकी होगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगी आपका। तो यहाँ पर यह दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी दिया हुआ है हमारे लिए, और यहाँ पर ये जो है न्यून कोण ये दिया हुआ है थीटा हमारे लिए। सबसे पहले ये हमारे लिए 21 दी हुई है ये साइड, यानी कि बेस, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है आपके लिए 29 दिया हुआ है। तो अब आपने फाइंड करना है थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपने निकालना है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। हमने पिछले उसमें आपको फॉर्मूला भी बताया, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा हो यानी कि 1 होता है, यह पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो इसका जो वैल्यू आने वाली है वो 1 आएगी, लेकिन कैसे आएगी वो हम अब आपको बताने वाले हैं, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन कैसे आएगी वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले कॉस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो कॉस थीटा के लिए आपके पास में बी अपॉन में एच, बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए, बेस आपके पास में हाइपोटेन्यूज भी है, ठीक है जी। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा निकालना, तो साइन स्क्वायर के लिए पी अपॉन एच, पी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो आपके पास में सबसे पहले परपेंडिकुलर ही नहीं है, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर निकालने के लिए अब आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम आप यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यानी कि आपका कर्ण का स्क्वायर, यानी कि एबी का स्क्वायर, चलिए आप ये लिख लीजिए सबसे पहले, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर, इसको बड़ा लिख लीजिए चाहे उसे क्या फर्क पड़ता है, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि आपका दिया हुआ है ऑलरेडी 29 का स्क्वायर, बेस आपको कितना दिया हुआ 21 का स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर आपको नॉट गिवन, यानी कि साइड दी हुई, तो साइड का स्क्वायर, हमने जो साइड दे है उसी का नाम हमने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पे 29 का स्क्वायर किया आपने, हो गया 841, और 21 का स्क्वायर किया आपको 441 हो गया, प्लस में एसी का स्क्वायर 441 को इधर लिया, 841 माइनस के 441 इक्वल टू एसी का स्क्वायर, ये आपका कितना आ गया 400 आ गया, बराबर एसी का स्क्वायर। आप दोनों तरफ अनरूट करेंगे, दोनों तरफ अगर आप अनरूट करते हैं तो इस स्क्वायर से अनरूट कैंसिल हो जाएगा, और 400 का अनरूट होता है 20, यानी कि एसी बराबर आपका हो गया 20, एसी की वैल्यू आपके पास में 20 आ गई। तो अब आपके पास में अब आपको निकालना क्या था, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालनी है। साइन थीटा की वैल्यू आपके पास में होनी चाहिए, अब हम यहाँ पे आपको साइन थीटा की वैल्यू बता देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू आप निकाल करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा यानी कि पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब आपका परपेंडिकुलर क्या आ गया, परपेंडिकुलर ये है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि एसी की वैल्यू आपके पास में 20 आई, अभी निकाली हमने 20 अपॉन में, यानी कि एच कितने आपकी हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितने 29। अब इससे पहले साइड का नाम भी रख सकते हैं, जैसे एसी अपॉन में एबी, ये रखने के बाद में आप एबी लिख सकते हैं। अब आपके पास में ये हो गया, अगर साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो यानी कि इसकी पावर 2 चढ़ा देंगे, तो यहाँ पर पुट करेंगे। अब इसके बाद में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, बी अपॉन एच, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस आपका कितना है 21 और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका 29, ठीक है जी। तो यानी कि आपका बेस बीसी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि एबी। तो ये अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं
तो यानी कि cos स्क्वायर थीटा, चलिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, आगे हम आपको बता देते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा कि यानी कि cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 29/1/29 यानी कि 21 बटे में 29 का होल स्क्वायर प्लस में अब यहाँ sin की वैल्यू कितनी आई है 20/29 यानी 20/29 और स्क्वायर है तो पावर 2 चढ़ा देंगे। जब अगर आप इसको ओपन करेंगे, जब ओपन कर रहे थे यानी कि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर दोनों नीचे डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, ठीक है जी, डिनोमिनेटर सेम आ रहा था यानी कि आप दोनों में से एलसीएम ले सकते हैं यानी कि चार इसके 21 का करेंगे तो 441 आएगा और इसका 841 आ जाएगा प्लस में 20 का करेंगे तो 400 आ जाएगा और 29 का करेंगे तो 841 आएगा। दोनों का एलसीएम अगर आप लेते हैं तो कितना आएगा आपका 841 और ऊपर यानी कि 441 प्लस में 400 दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 841 बटे में 841 तो इससे इसको काट दिया आपको पास में आ गया यानी कि इससे इसको डिवाइड करते तो 1 आया। हमने आप ऑलरेडी आपको बताया था कि इसका आंसर 1 आएगा तो इस तरीके से आप 1 निकाल सकते हैं। तो आपके पास में स्क्वायर निकालने का तरीका पता होना चाहिए तो अगर आपको याद है तो बेस्ट है, नहीं याद है तो इसके लिए भी हमने आपको निकालने का तरीका ऑलरेडी बताया हुआ है, एक वीडियो बना रखी है इसके ऊपर कि किस तरीके से आप स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो जो जिन बच्चों को ये स्क्वायर निकालने का तरीका नहीं पता है वो वहां से जाके देख सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक एग्जांपल नंबर 4 है हमारा। यहाँ पे कहा जा रहा है यदि समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, अब हमारे लिए बी कोण समकोण दे रखा है तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल बनाएंगे उसमें जो कोण 90 का है यानी कि वो बी लेंगे, इसके बाद में आप इसको ए ले लीजिए इसको सी ले लीजिए एबीसी। सबसे पहले यहाँ पे कह रहे हैं जिसका कोण बी समकोण है टेन ए इज इक्वल टू 1 यानी कि टेन ए की वैल्यू आपको 1 दी हुई है। इसके बाद में आपसे कह रहा है कि सत्यापित कीजिए यानी कि वेरीफाई कीजिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1 आपको प्रूव करना है, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन है, ये आपको गिवन है आपको प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है सिद्ध करना है आपने 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1 यानी कि इसकी वैल्यू 1 होती है, यह आपने प्रूव करनी है इसके थ्रू, यह आपको दिया हुआ है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कैसे प्रूव करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पे इसकी वैल्यू 1 होती है तो टेन ए सॉल्यूशन जब हम करेंगे सॉल्यूशन में टेन ए की वैल्यू आपके पास में यानी कि 1 दी हुई है तो अब यहां पे टेन ए किसके इक्वल होता है आपको पता है पी अपॉन में बी, पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर, अब इसमें देखो ए दिया है तो यानी कि बेस हमारा ये परपेंडिकुलर आपका क्या होगा परपेंडिकुलर आपका ये हो गया यानी कि जो एक्यूडायगोनल उसके जस्ट सामने वाला तो परपेंडिकुलर यानी कि बीसी और बेस आपका क्या हो गया बेस आपका हो गया ए बी और ये किसके इक्वल दिया हुआ है 1 के इक्वल दिया हुआ। तो जैसे अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको बताया कि तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यानी कि बीसी आपके एबी के इक्वल हो जाएगी जब इसको आप इस तरफ ले जाएंगे यानी कि ये डिवाइड में है तो किस में जाएगी मल्टीप्लाई में तो यानी कि बीसी और एबी आपके क्या है दोनों बराबर है यानी कि ये साइड आपके इसके बराबर है। जब आपकी ये दो साइड बराबर है तो इनके आमने सामने के जो कोण होंगे वो भी यानी कि आपके इक्वल होंगे तो ये साइड इसके बराबर है ये साइड इसके बराबर आई इसके अनुसार अगर ये साइड बराबर है तो ये कोण भी इसके बराबर होगा सिंपल चीज है। अब आपको प्रूव करना है आपने अब आपने प्रूव करना है ये 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है तो अब हम साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू क्या होगी साइन ए की वैल्यू आप पी अपॉन में एच फॉर्मूला आपने रखा पी अपॉन एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर क्या है अब आपका परपेंडिकुलर है आपका बीसी और हाइपोटेनस क्या है आपका एसी ठीक है जी ये तो साइन ए की वैल्यू हो गई। अब आपको निकालनी कॉस ए की कॉस ए की वैल्यू जब आप निकाल रहे हैं कॉस ए की वैल्यू बी अपॉन में एच बेस अपॉन में हाइपोटेनस तो बेस आपका क्या है बेस है आपका ए बी
और हाइपोटेनस क्या है आपकी एसी, तो साइन ए यानी कि बीसी अपॉन में एसी और कॉस ए इज इक्वल टू यानी कि एबी अपॉन में एसी। अब आपके पास में एसी की वैल्यू नहीं है, बीसी की वैल्यू, यानी कि आप ये जब दोनों इक्वल है तो किसके इक्वल माने जाएंगे, यानी कि दोनों के दोनों वन के इक्वल हमें लेने। तो अब यहाँ पे हम एसी निकालते हैं, एसी का स्क्वायर यानी कि एबी का स्क्वायर प्लस में बीसी का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर। एसी का स्क्वायर इक्वल टू यानी कि इसकी जगह वन का स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर। आप वन का स्क्वायर कितना भी कर लीजिए बनी रहता है, यानी कि वन प्लस में वन यानी कि ये हो गया आपका टू हो गया। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू टू, तो दोनों तरफ अगर आप अनडू करते हैं तो इससे निकल जाएगा यानी कि एसी इक्वल टू आपका आ जाएगा अनडू टू, यानी कि एसी की वैल्यू आपके अनडू टू आ गई और इन दोनों की वैल्यू आपके पास में वन बने। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, बीसी की वैल्यू वन और एसी की वैल्यू अनडू टू, ठीक है जी। इसके बाद में इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो यानी कि इसकी वैल्यू भी वन अपॉन में अनडू टू। अब यहाँ पे आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे टू इन टू के साइन ए की वैल्यू एक बटे में अनडू दो गुणा के कॉस ए की वैल्यू वन अपॉन अनरूट दो इक्वल टू यहाँ पे अनरूट टू, अनरूट टू की मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि टू इंटू के अनरूट टू की अनरूट टू की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि सेम डिजिट में अनरूट में कोई संख्या दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कंप्लीट नंबर आ जाता है। तो वन अपॉन में टू, टू से आपने टू को डिवाइड किया तो वन बार गया, वन के और वन वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, यानी कि आपकी लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के इक्वल आ गई, तो यानी कि ये आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो चुका है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं और आते भी हैं। ये क्वेश्चन अगर आपका आएगा तो दो या तीन नंबर में आएगा, उससे ज्यादा नंबर में यानी कि चार नंबर में अगर आप कहें तो चार नंबर में ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है, दो या तीन नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा। हमारे एग्जांपल नंबर फाइव दिया हुआ है, गिवन है हमारे लिए ओपी यानी कि यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ओक्यू यानी कि ओक्यू माइनस के ओपी हमारे लिए 1 दिया हुआ है, साइन क्यू और कॉस क्यू हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हम जब साइन निकालते हैं या कॉस निकालते हैं हमें हाइपोटेनस की और इसकी जरूरत पड़ेगी तो ये निकालने हमें आवश्यक है। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, किसका, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे यानी कि थ्योरम का यूज करेंगे, आप थ्योरम का यूज करके आप निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है आपका ओक्यू, ओक्यू का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी बेस यानी कि ओपी का स्क्वायर प्लस में पी यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर ओक्यू। अब यहाँ पे हमारे पास में ये दिया हुआ है तो ये गिवन में है, तो यहाँ के अगर हम OQ यही छोड़ते हैं तो यानी कि PQ को ले लेंगे तो ये 1 प्लस में PQ हो जाएगा। तो यानी कि OQ जहाँ पर है यानी कि वहां पे 1 प्लस में PQ हम रख सकते हैं, तो यहाँ पर OQ है हमारा, OQ की जगह यानी कि 1 प्लस में PQ हम रख सकते हैं, तो यानी कि पावर 2 है तो पावर 2 हमने रखी OP का स्क्वायर प्लस में PQ का स्क्वायर। अगर हम इससे यहाँ पे करते हैं तो यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप खोलेंगे तो यानी कि 1 का स्क्वायर, वन का स्क्वायर करते हैं वन ही आता है, और पी क्यू का स्क्वायर करेंगे पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस में टू पी क्यू हो जाएगा। इसको जब ए प्लस बी के फॉर्मूले से आप खोलते हैं तो यहाँ पे इधर अदर साइड में ओपी का स्क्वायर प्लस में पी क्यू का स्क्वायर। अब यहाँ से कुछ काट देंगे हम, यहाँ पी क्यू का स्क्वायर यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर दोनों सेम है और दोनों के साइन भी सेम है तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा यहाँ पे वन का स्क्वायर वन करेंगे और टू पी क्यू 7 सेंटीमीटर, तो ओपी हमने 7 रखा इसके पावर 2, ठीक है। अब इसके बाद में हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस में 2 पी क्यू इक्वल टू यहाँ 7 है तो 7 की पावर 2 है तो 7 की पावर 2 कितनी होगी 7 पावर 2 तो 49, 1 को इधर ले जाएंगे 2 पी क्यू इक्वल टू 49 माइनस के 1 इक्वल टू 48 हो गया यानी कि 49 माइनस के 1 यानी कि 48 और पी क्यू आप निकालेंगे तो यानी कि 48 बटे में 2 कितना हो गया आपका, कितना हो गया भाई 24 हो गया, 24 सेंटीमीटर आपका पी क्यू ये 24 आ गया। अब आपसे यहाँ पी क्यू आपका 24 आ गया तो ओक्यू कितना होगा ये यानी कि ये कितना होगा एक में 24 में एक जोड़ेंगे कितना हो गया 25 तो ये आपका 25 आ गया। अब आपको निकालना क्या था साइन क्यू, साइन क्यू
साइन क्यू आपको निकालना है। साइन क्यू कैसे निकालेंगे आपको अभी इस फॉर्मूले के अनुसार हमने बताया पी अपॉन में यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, परपेंडिकुलर क्या है अब आपका आपको क्यू कहा है तो यानी कि बेस आपका ये हो गया, बेस आपका ये हो गया साइन क्यू। तो अब आपने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर आपका ये होगा ना हाइपोटेन्यूस आपका ये हो गया तो यानी कि आपका 7/25। तो इसी तरीके से आप कॉस क्यू को निकाल सकते हैं। तो कॉस क्यू की वैल्यू निकाल के आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं। अगर आपको सवाल समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। पास में जो भी हमारी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।